अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे कोकोनट बिस्किट, जो घर पे कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में होंगे और बहुत ही हंसता और मज़ेदार होंगे। सिर्फ आपने करना क्या, रेसिपी को फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले आपने एक बोल लेना है जिसमें आपने आधा कप के बराबर, यहाँ पर मैं देसी घी शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्टेड बटर, दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप ही हम यहाँ पर पीसी हुई चीनी लेंगे। इसको पहले आपने इस तरह से बीट कर लेना। ये आपने स्टेप लाजमी फॉलो करना है। इस स्टेप को आप सेम फॉलो करेंगे तो आपके बिस्किट बिल्कुल हंसता और मज़ेदार बनेंगे। इसको तब तक आपने बीट करना है, तब तक जब तक ये इस तरह से फ्लफी, मतलब कि क्रीम फॉर्म में ना, बिल्कुल वाइट ना हो जाए, तब तक आपने इसको बीट करना है। ये देखें जी, इसको 5 से 4 मिनट लगे थे और ये अच्छी तरह से इस तरह से कंडीशन में आ चुका है। अब भी बीटर को साइड पर कर, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं। अब चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पर जाना। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेन ले लेंगे, जिसमें हम 1 कप के बराबर मैदा शामिल करके इसको हम इस तरह स्ट्रेन कर लेंगे। ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो, क्योंकि आज का बरसात का मौसम, इसलिए आपने हर चीज़ को छान के लाजमी इस्तेमाल किया करें। अब जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा वो हम इसको साइड पे कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे आधा कप के बराबर पीसा हुआ जो खोपरा होता है, वो हम बाज़ार से इजली मिल जाता है, वो आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। आधा चम्मच के बराबर हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको पहले चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स करना है, फिर आपने इसको हाथों की मदद से मिक्स करना है। अगर अच्छी तरह से इसकी बॉन्डिंग ना हो सके, मतलब किसी मिक्स ना हो सके, तो आपने इसमें दूध भी नीम गर्म शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुकिंग आज 2 चम्मच के बराबर शामिल करूँगी, तो वीडियो की स्पीड इसलिए तेज़ की कि जल्दी से आपको उसको बता सकूँ। तो डो जो आपने बिल्कुल परफेक्ट, मतलब कि आपने बना लेनी है, जो ज़्यादा ना ही हार्ड हो ना ज़्यादा पतली हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इससे मिक्स नहीं है, इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया कर रही हूँ। इससे होगा कि ये जल्दी आपस में मिक्स हो जाएगा, सारा अच्छा सा चिपक जाएगा। तो ये देखिए डो हमारे बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। कोई भी आपने चम्मच इसकी मदद से आपने इक्वल एक जैसे आपने बॉल बना के इसके बिस्किट बना लेने हैं, और इसके ऊपर आपने जो पीसा हुआ नारियल है खोपड़ा उसको अपने ऊपर लगा देने से सारे बिस्किट में लगा के ना प्लेट में हमने ये देखें जिसको मैंने आयल लगा के ग्रीस लगा के सेट कर दिया हुआ था, उसके बाद सारे मैंने रख लिए। इसको मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट में इसको मैंने बेक किया है पतले में। आप इसको इतना ही टाइम देंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएंगे। अब ये गर्म है, गर्म गर्म आपने बिस्कुट को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना, क्योंकि बहुत ही नरम हो जाएंगे। जब इसको ठंडे हो जाएंगे तो आप इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल खस्ता और बहुत ही मज़े के बन के तैयार। लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के, बहुत ही ये कमाल की रेसिपी। आपने इसको रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इसको चेक भी करके खा सकती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हस्तांदर से बने हैं, बहुत ही मज़ेदार से मज़ेदार। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी कैसी लगी ये भी आपने बताना, जाते वक्त आपने लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल को लाजमी प्रेस करना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।